बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में बंगला विवाद जो है अब सड़क तक आ चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते दिनों जो बिहार के उप मुख्यमंत्री का बंगला आवंटित किया गया है सम्राट चौधरी को, उसके पहले तेजस्वी यादव रह रहे थे, और जब तेजस्वी यादव ने वो बंगला खाली किया उसके बाद कई आरोप तेजस्वी यादव पर लग गए और कहा गया कि तेजस्वी यादव ने कई सारी चीज़ें जो है उस बंगले से लेकर गए हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा था कि जो जो मेरे बारे में गलत बातें कर रहा है, मुझे चोर कह रहा है, उन पर केस करूंगा। अब ये विवाद सड़क तक पहुंच चुका है और आप देखिए पोस्टर वॉर हो चुका है शुरू, जहाँ पर बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर का अपना ही महत्व है। पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन ये पोस्टर जो है आप देख सकते हैं इनकम टैक्स चौराहे पे लगा है और चारों तरफ लोग इसको देख रहे हैं। और क्या लिखा है पहले आप वो देख लीजिए, जहाँ पर तेजस्वी यादव बने हैं उनके हाथ में नल है और टोटी छोड़ लिखा है। तो सीधे तौर पे इल्ज़ाम उन पे लगा गया था कि तेजस्वी यादव ने कई सारे लग्जरियस सामान जो है उस बंगला से वो लेकर चले गए, और जिसमें नल था, एसी थे और बेड की भी बातें की थी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव बने हैं और ऊपर लिखा है चारा चोर, और चारा सूंघते हुए वो नज़र आ रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए, इनकम टैक्स चौराहे पे लगाई गई है और चारों तरफ जो है इसकी ही चर्चा हो रही है बिहार की राजनीति में, और मेन जगह है और जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। अब बंगला विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम इनकम टैक्स गोलंबर के पास, जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो आपको। ये भी बता दें कि जब तेजस्वी यादव पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था तो बीजेपी के मीडिया प्रभारी जो हैं दानिश इकबाल, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि तेजस्वी यादव अपने साथ कई सामान लेके गए हैं, जिस पर तेजस्वी यादव काफ़ी बढ़के हुए नज़र आए थे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो जो टुटपुंजिया नेता मेरे बारे में कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। और तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद यादव पर ये इल्ज़ाम लगा रहता है कि वो चारा चोरी करते हैं, वो चारा चोर है, और तमाम चीज़ों के बीच ये पोस्टर लगाया गया है जहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है कि आखिरकार किसने ये पोस्टर बनवाया है। और बिहार की राजनीति में अगर हम बात करें तो पोस्टर वॉर का अपना ही महत्व है, और पोस्टर के ज़रिए एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है, और आज सुबह से ही इसकी चर्चाएँ हो रही है। और जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे थे, अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव और राजद इस पर क्या कुछ कहती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।